हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक कलेक्शन चैनल। कैसे हो सब? आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया है, तो कैसा लग रहा है ये मेकअप? तो आई होप को ये मेकअप पसंद आया होगा। अगर पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि ये मैंने कैसे मेकअप किया है। तो ज़्यादा ना बातें करते, स्टार्ट करते वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं लगाऊंगी गुड वाइब्स का टोनर। तो ये देख सकते हैं मैंने फेस टोनर लगाया हुआ है। फिर उसके बाद मैं बायोटिक की मॉइस्चराइजर क्रीम लगा रही हूँ, तो देख सकते हैं। और ये मुझे इतनी अच्छी लगती है ना कि पूछो मत, बहुत अच्छी लगती है मुझे। इसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी लगती है। इसके बाद मैं लगा रही हूँ प्राइमर। ये NY का प्राइमर है, ये सिलिकॉन बेस है। तो ये देख सकते हैं ये प्राइमर लगा रही हूँ मैं। और इसके बाद मैं लैक्मे का फाउंडेशन लगा रही हूँ। तो ये देख सकते हैं फाउंडेशन लगा रही हूँ मैं लैक्मे का। तो ये भी अच्छी तरह मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी, और ये भी बहुत अच्छा है। और मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ, तो देख सकते हैं। ब्यूटी ब्लेंडर की अगर वीडियो देखनी है तो वो देख लेना, ब्यूटी ब्लेंडर कैसे यूज़ करते हैं। तो उस पर मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना दी है, तो वो ज़रूर चेक कर लें। अब इसके बाद मैंने लाइट कलर का कंसीलर लिया है। जो भी डार्क सर्कल हैं मेरे, उसको मैं कवर करूँगी। तो देख सकते हैं मैंने लाइट कलर का कंसीलर से को अब मैं मर्ज करूँगी। तो इसको मैं अच्छी तरह में ब्लेंड कर लेती हूँ, तो देख सकते हैं आप। तो मैं अच्छी तरह इसको ब्लेंड कर लेती हूँ कंसीलर को, तो देख सकते हैं। और इससे अच्छा तरह अपने सारे डार्क सर्कल हाइड हो जाते हैं। तो ये देख सकते हैं ये MS DEM का है। अब इसके बाद मैं कॉम्पैक्ट पाउडर से इसको सेट कर लूँगी। कॉम्पैक्ट पाउडर मैं कलर सेंस का यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद मैं यूज़ करूँगी काउंटोरिंग करूँगी अपने फेस पे। ये NY की काउंटोरिंग है। अब अगर आप काउंटोरिंग करने वास्ते बजट को ढूंढ रहे हैं तो अंडर 80 तो ये बहुत अच्छा है। ये अंडर 70 समथिंग मिल गया था, डिस्काउंट चलता रहता है पर्पल पे, तो आप ज़रूर चेक कर लें। तो ये देख सकते हैं। और इससे अच्छी तरह अगर आप बिगनर हैं और अफोर्डेबल ढूंढ रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है, आप ये यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं यूज़ करूँगी, तो ये देख सकते हैं सेट हो कर लिया है मैंने ऑलमोस्ट मैंने काउंटोरिंग। तो इसके बाद मैं रोज़ मिस की आई शेडो पैलेट यूज़ करूँगी, तो देख सकते हैं आप। और इसमें से मैंने न्यूड कलर पिक किया था, तो देख सकते हैं न्यूड कलर पिक करके और थोड़ा सा ब्लैक केस और न्यूड कलर दोनों मिक्स था, तो देख सकते हैं ये ग्रे कलर बिल्कुल आराम से निकल के आया है। तो अब इसके बाद मैंने NY की ये रेड कलर की ये लिपस्टिक पिक की है। तो इससे मेरे पास रेड कलर मैट कलर नहीं था, क्योंकि इसमें सारे सिमरी हैं, तो मुझे मैट कलर रेड कलर चाहिए था। तो मैंने ये लिया है, रेड लिपस्टिक का यूज़ किया है NY की। तो ये देख सकते हैं, अब इसको अच्छी तरह मैं मर्ज करूँगी रेड लिपस्टिक को, और इससे अच्छा लुक क्रिएट होता है अलग आई मेकअप। तो देख सकते हैं अब इसको अच्छी तरह मैं मर्ज कर लूँगी, कि मेरे पास जो ये मिस रोज़ की पैलेट है इसमें सारे स्पार्कल है, स्पार्कल वाले सारे वो हैं आई शेडो। तो इसलिए अब मैंने गोल्डन कलर पिक किया है ग्लिटर में, तो ये मैं अब डैब डैब करूँगी आईलिड पे, तो वो देख सकते हैं। और फिंगर से मैं अच्छी तरह पहले लगा लूँगी, फिनिशअप मैं ब्रश से करूँगी। तो पहले मैं फिंगर से लगा लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको कि मैं ब्रश से कैसे लगाऊँगी। तो देख सकते हैं पहले मैं फिंगर से इसको लगा लेती हूँ। तो मैंने फिंगर से लगा लिया। अब इसको फिनिशअप देने के लिए मैंने ब्रश लिया है, तो ये ब्रश से अच्छी तरह इसको फिल करूँगी। जो भी हार्श लाइन है या जो भी आप अच्छी तरह ब्लेंड नहीं होता, तो आप फिंगर से बिल्कुल लास्ट इसको टच दे सकते हैं। तो देख सकते हैं मैंने बिल्कुल फिंगर अब ब्रश से कर लेती हूँ। पहले मैंने फिंगर से मोटा मोटा लगा लिया, फिर लास्ट फिनिशअप मैंने ब्रश से दिया है। अब मैं आईलाइनर लगा लेती हूँ। आईलाइनर मैंने ब्लू हेवन का यूज़ किया है, तो देख सकते हैं। और मैंने आई मेकअप के लिए मैंने सेलो टेप का यूज़ किया था। अगर आप बिगनर हो तो सेलो टेप यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि इससे आपका आई मेकअप बिल्कुल फैलता नहीं है। तो देख सकते हैं। और जो भी आईलाइनर आप मैंने लगाया था सेलो टेप से, वो ठीक परफेक्ट लगा नहीं था। अब मैंने इसको फिनिशअप करने के लिए दोबारा फिर सेलो टेप उतारा है, फिर इसको फिनिशअप ठीक कर रही हूँ, कि जो ठीक नहीं है तो उसे मैं ठीक कर रही हूँ। अपनी आईब्रो फिल कर रही हूँ मैं NY की आईब्रो पेंसिल से ब्राउन कलर। तो देख सकते हैं मुझे ये बहुत अच्छी लगती है, तो मैं ज़्यादातर इससे ही प्रेफर करती हूँ अपनी आईब्रो फिल करना। तो देख सकते हैं अपनी आईब्रो में फिल कर रही हूँ।
अब इसको आईब्रोज पुल से देख सकते हैं, इसको सेट करूंगी, अपनी जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो निकल जाता है, तो अपनी आईब्रो को मैं सेट कर लूंगी। और अब मैंने लिया है मैबलिन का मस्कारा, तो देख सकते हैं, और इसको मस्कारा को मैं अच्छी तरह अपनी मस्कारे पे लगा लूंगी। तो देख सकते हैं मैं अपनी सारी पलकों पे लगा लेती हूँ इसको अच्छी तरह, तो धीरे धीरे हिलाते हिलाते ऊपर की ओर इसको ब्लेंड करना है, तो मस्कारा आपका अच्छी तरह लग जाता है। तो देख सकते हैं अब मैं इसको सेट करूँगी आई मस्कारे, जो मस्कारा कटर है उससे मैं इसको सेट करूँगी। तो देख सकते हैं कर्ल है मस्कारा कर्ल से इसको सेट करूँगी, इसको सेट कर लिया है। अब मैं इसमें फेक आईलेसेस लगाई गई है, मैंने फेक आईलेसेस लगा ली है। अब मैं लोअर लैश लाइन में इसको थोड़ा सा मैं जो भी मैंने रेड कलर की ऊपर यूज़ करी थी वही रेड कलर लिपस्टिक लेकर इस ब्रश से वो मैं नीचे वाटर लाइन पे लगा लूँगी। तो देख सकते हैं इसके बाद मैं ब्लैक काजल भी लगाऊँगी, तो देख सकते हैं लोअर लैश लाइन के नीचे नीचे मैंने ये रेड कलर की लिपस्टिक लगाई है कि जो आई मेकअप है वो उभर के आए। तो देख सकते हैं, तो नीचे लगाने से आई मेकअप आपको और उभर के आता है। तो मैं अपने काजल लगाना है, अब मैं ब्लश लगा रही हूँ, तो ये ब्लश की पैलेट आपको पता ही है रोज़ मिस की मेरे पास है। अब मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ मार्क्स का, तो मैं वो यूज़ कर लेती हूँ हाइलाइटर। तो देख सकते हैं, तो मुझे जहाँ जहाँ ज़रूरत है हाइलाइटर की मैं वहाँ हाइलाइटर यूज़ कर लेती हूँ। और मैं काजल लगा रही हूँ, तो देख सकते हैं, तो और काजल लगाने से आपकी आंखें अलग ही लगने लगती हैं बड़ी बड़ी सी। तो देख सकते हैं मैंने काजल लगा लिया है, और मैं हाइलाइटर आईज़ के इनर कॉर्नर पे लगा रही हूँ, और मैंने रेड कलर की लिपस्टिक ली है शक्ति की, तो देख सकते हैं, और ये शेड नंबर है 6, तो देख सकते हैं, और ये प्रॉपर रेड कलर लिपस्टिक है शेड नंबर 6। तो और अगर पसंद आ रही है तो आप पर्पल्स पे ले सकते हैं, ये रेट अप डाउन होते रहते हैं। अब मैंने बिंदी से फाइनल किया है, तो देख सकते हैं फाइनल लुक। तो आई होप ये मेरा फाइनल लुक पसंद आया होगा, और सिंपल है तो आप ये घर में हैं और आपको तो नजर फ्रेंड्स नहीं कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी होगी ना, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी इंटरेस्टिंग और भी वीडियो आती रहेंगी। और आप कैसे और वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।